अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम नसीर इलियास एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 ऑफ क्लास 10th साइंस। हमने जो एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की थी उसके जो है कह लें कि 90% काम मैं आपको करवा चुका हूँ। आज सिर्फ दो क्वेश्चन इसके रह गए हैं, 15 और 16, और ये दोनों ही क्वेश्चन आपके जो इक्वेशन की जो टाइप 5 है उसके रिलेटेड हैं। तो आइए टाइप 5 समझते हैं। पहले जो इक्वेशन की जो टाइप 5 है हमारे पास वो क्या है, x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी और एक्स प्लस डी इज इक्वल के। यानी कि अब आप ये देखिए यहाँ पे कांस्टेंट की बेस पे अब ये इक्वेशन बनी हुई है। ये देखें ए बी सी जो है ना, ये डी और ये के भी कांस्टेंट ही है, तो इसकी बेस पे यानी कि ये इक्वेशन है। इसमें मेन चीज ये है कि आप ए प्लस बी कर लें इज इक्वल किसके होगा, सी प्लस डी। आपने यानी कि अपने क्वेश्चन में आपका करेंगे कोई भी दो पेयर अपनी मर्जी के आपने ले लेने। इधर से उसने ए और बी ली है ना, कोई भी दो पेयर लेने हैं, ए बी या ए सी ले लें, ए डी ले लेंगे आप, तो उनको प्लस माइनस करेंगे तो वो दोनों का आंसर इक्वल आएगा। तो फिर आपने वो दो पेयर लेके इसको सॉल्व करेंगे। इसकी आपको ज़रा क्वेश्चन से और अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर है ना 15, पहले ये करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसकी जो इक्वेशन है हमारे पास, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस फाइव और एक्स माइनस सेवन इज इक्वल 192। जी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए, अब ये हमारे पास ए हो गया 1, बी हो गया हमारे पास 3, सी हो गया हमारे पास माइनस 5 और जो डी है वो हो गया हमारे पास माइनस 7। अब आपने यहाँ से दो पेयर को ऐसे लेने हैं जिनको प्लस माइनस करें को उनका दोनों का आंसर सेम थे। मैं जैसे मैं यहाँ से लेता हूँ जी, ये 1 और 5 को लेता हूँ जी। यहाँ पे देखिए प्लस 1 माइनस 5 किसके इक्वल हो गया जी, ये माइनस 4 के इक्वल हो गया। अब हमारे पास है जी 3 माइनस 7, तो इसको अगर मैं माइनस करूँगा तो ये भी माइनस 4 होगा। तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है, इनके दो कोई भी पेयर लेके आप उनको माइनस करें दोनों के आंसर इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर इक्वल आ रहा है वो देखें, ये 1 वाला पेयर और ये 5 वाला, इन दोनों को, इनके पहले और तीसरे को और दूसरे और चौथे को अगर हम इक्वल कर लें तो इनके जो आंसर है माइनस के सेम आ रहे हैं। तो ये आपका रफ वर्क था, इसको आपने क्वेश्चन में शामिल नहीं करना, इसको आप रफ वर्क में ही कर लें। अब मैं किस हिसाब से इन पेयर को चेंज अरेंज करूँगा, वो जो मैंने माइनस किया था इनको, इनके एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 5 ये, और दूसरा था एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 7, 192 सेम आ गया। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूँगा जी, एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस 5x। पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, फिर 1 को 1 मल्टीप्लाई एक्स 1x माइनस 5 तो ये पहले इनको मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद इनको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3x, 3 7 21 इज इक्वल 192 आ गया। तो अब आप ये देखिए इनको प्लस माइनस करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x रह गया, माइनस 5 आ गया इधर। यहाँ पे अगर हम इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल 192। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जी एक्स स्क्वेयर माइनस 4x, इसकी भी फर्स्ट ये दो टर्म सेम है, इसकी भी फर्स्ट टू टर्म्स ये हमारे पास सेम है। तो हम क्या करेंगे, अब हम y के इक्वल कर देंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 4x के जी, इनके y को हमने किसके इक्वल कर लिया, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x के। अब यहाँ पे आप लगा देती y माइनस 5 और यहाँ पे भी आप लगा दें y माइनस 21 192। अब यहाँ से हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, तो y y y का स्क्वेयर माइनस 21 y 5 मल्टीप्लाई वाई माइनस 5y माइनस माइनस प्लस, अगर हम 21 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 105 192 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पहले प्लस माइनस कर लेते हैं, तो ये आप देखिए ये इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे ना तो ये आ जाएगा माइनस 26y प्लस 105 है ना, तो 192 इधर आके आप माइनस कर लें। तो इसकी जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है आप वो देख लें क्या बन रही है, वाई स्क्वेयर माइनस 26 वाई। तो
और इसको माइनस किया है, दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस 87 आ जाएगा इज इक्वल जीरो। अब यहाँ से इसके पेयर बना लेंगे हम। पेयर कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 आए माइनस प्लस माइनस के 26 आए। अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे ना ऐसे 3 के साथ, 3 2 6, 2 3 9 27, 29 1 29, तो 29 - 3 ये दो इसके पेयर हो जाएंगे। तो वाई स्क्वेयर माइनस 29 - 3, बाहर वाई लिखेंगे 87 इज इक्वल जीरो। अब वाई स्क्वेयर माइनस 29 y माइनस माइनस प्लस 3 y माइनस 87 इज इक्वल जीरो आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, इन दो में से और इन दो में से आप कॉमन ले लें। यहाँ पे y आ गया y माइनस 29, यहाँ पे आ गया 3 कॉमन, 3 कैंसिल हो गया, y बच गया, तो माइनस इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 29 ही आ जाएगा इज इक्वल जीरो हो गया। तो आप क्या करेंगे, ये कि y माइनस 29 फिर कॉमन आ गया और y प्लस 3 और ये भी हमारा बच गया पीछे, यानी कि यहाँ से आपने काम ले लिया पीछे हमारे पास ये बच गया। अब आप इन दोनों को जीरो के इक्वल कर लेंगे, यानी कि y प्लस 3 इज इक्वल जीरो। अब दोबारा जो है इस y की जगह पे हम x वाली वैल्यू ले आते हैं, इनके y है ना, इसकी जगह आप लिख लें एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इज इक्वल सॉरी माइनस 29 इज इक्वल जीरो। यहाँ पर भी y की जगह पर आप क्या करेंगे, y की जगह पे आप लिख लेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल जीरो। अब हम ये हमारे पास फिर दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब मैं इसको दोनों को ना आपको ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना उस मेथड से मैं आपको करवा देता हूँ। और ये हम करते हैं इस साइड पे, क्योंकि इस साइड पे हमारे पास जगह कम है, तो इस साइड पे अब मैं दोनों आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो जी अब देखिए, पहले हम ये वाली सॉल्व कर लेते हैं। अब लिखिए इधर एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल जीरो है ना, ए हमारे पास 1 हो गया, बी हो गया माइनस 4, सी हो गया माइनस 29। तो फार्मूला हमारे पास क्या था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a और ऊपर स्क्वेयर रूट है। तो एक्स ये मार माइनस बी का आ गया, तो बी की माइनस 4 वैल्यू आ गई, माइनस 4 का स्क्वेयर आ गया, माइनस 4 ए पे 1 लगाएंगे, सी पे माइनस 29 लगा दें आप, और सॉरी ये आएगा इधर ऐसे जी नीचे 2 और 7 1 आ गया, ये प्लस 4 हो गया। यहाँ पे आप देखें 4 4 16 माइनस माइनस प्लस, तो 29 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 29 मल्टीप्लाई 4 तो ये हमारे पास आ जाएगा 116। तो नीचे हमारे पास 2 आ गया, इसको 4 सेम आ गया प्लस माइनस, इसको अगर हम प्लस कर लें तो ये आ जाएगा 132। नीचे हमारे पास 2 आ गया, तो 4 प्लस माइनस, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना इसे साइंटिफिक कैलकुलेटर से, आप अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास देखिए क्या बनता है, स्क्वायर रूट 132, तो इसका 2 अंदर आ जाएगा और 33 बाहर आ जाएगा ऐसे। अगर आप स्क्वायर रूट आपके पास कैलकुलेटर दूसरा है तो आप इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, यानी कि 132 का अगर आप एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 2 2 6 12 और 2 6 12, 2 3 6 2 3 6, यानी कि 2 का स्क्वायर रूट 33 है ना, ऐसे 2 काट गया और 3 अंदर रह गया। तो लंबे क्वेश्चंस में आप इसके यानी कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो 2 हमारा देखें बाहर आ गया और 33 अंदर आ गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 का कॉमन ले लेंगे, 2 2 4 प्लस माइनस 2 कैंसिल हो गया, बल्कि 2 बाहर चला गया ना, 3 3 का स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय यानी कि 2, ये 2 2 से आप कैंसिल कर दें, 2 प्लस माइनस 3 और 3, ये हमारे पास जो फर्स्ट है ना इसका आंसर आ गया। अब इसकी दूसरी साइड हम करते हैं, वो भी आप सेम इसी मेथड से ही करेंगे, दूसरी इक्वेशन इसकी सॉल्व कर लेते हैं। अब वो है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल जीरो। तो ये इसकी हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब
यहाँ पे ए हमारे पास हो गया 1, बी हो गया -4, सी हो गया +3। तो फार्मूला आपके पास वही है, -b+-b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल -b+-b की जगह पे आप क्या लगाएंगे जी, -b का अपना -4 + -4 का स्क्वायर -4, ए पे आप लगाएंगे 1 और सी पे लगाएंगे 3, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a पे 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया +4 + -4 = 16 -3 = 12, नीचे 2 - 2 आ गया। यहाँ पे 4 + - इसको माइनस कर लें, 4 आ गया। तो 4 + -2 आ गया इसका, यानी कि स्क्वायर रूट लिया तो नीचे हमारे पास 2 है। अब इसको एक दफ़ा आप प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा आप इसको 4 में से 2 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे आ गया 6/2, 2 × 3 = 6। यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे 2 बच गया, 2 को 2 पर डिवाइड कर लें तो 2 × 1 = 2। अब हम इसका लिखेंगे आंसर, सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट जब आपने लिखना है तो इसके नीचे जगह नहीं है, तो मैं इस साइड पर लिखता हूँ। आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल 1 3 1 3 और 2 + -33 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। तो अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 16, सेम टू सेम इसी मेथड से है, वो आपने बेटा खुद कर लेना है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.4, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।